ये कहानी काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। इस कहानी का किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं। इस कहानी के जरिए हम किसी भी अंधविश्वास, काले जादू, भूत प्रेत व तंत्र मंत्र को बढ़ावा नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष और आप सुन रहे हैं आशुतोष हॉरर पॉडकास्ट। दोस्तों, आज की यह कहानी अपने चैनल के हमारे एक सब्सक्राइबर के अनुभवों पर आधारित है। उनका नाम हिमांशु है। ये कहानी उस वक्त की है जब वो फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी किया करते थे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आप मेरी कहानियों को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब बिना समय जाया किए आज की कहानी को सुनाता हूँ। कहते हैं कि सुनसान गुमनाम जगह पर भूत प्रेतों का वास होता है। एक वक्त तक मैंने भी कभी भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन नहीं किया था, पर अब करता हूँ। यह उन दिनों की बात है जब मैं बतौर फॉरेस्ट ऑफिसर नया नया ड्यूटी पर ज्वाइन हुआ था। उसी दौरान शुरुआती दिनों में मेरे साथ एक बहुत ही डरावना हादसा हुआ था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैं उस हादसे से सही सलामत बच गया। ये बात 1999 की है, दिसंबर का महीना। मेरी पहली पोस्टिंग मेरे घर से बहुत दूर की गई थी। ड्यूटी पर मुझे बस 2 महीने थे। शनिवार का दिन था और उसी दिन दोपहर हमें खबर मिली कि जंगल के रास्ते से जानवरों के संबंध में किसी चीज की तस्करी होने वाली है। इसलिए मैं और मेरे साथ 2 वन रक्षक हम तीनों जंगल के आसपास के इलाके में गश्त लगा रहे थे। मैं जंगल के पास से गुजरने वाले हर एक चीज, हर एक इंसान पर नजर रखे हुए था। मेरे साथ जो 2 वनरक्षक थे उनमें से एक का नाम पवन और दूसरे का नाम ऋषि था। ऋषि और पवन एक अलग जीप से तो मैं एक दूसरी जीप से उस इलाके में गश्त लगा रहे थे। जंगल के बीच एक सुनसान जगह थी जहां पर वन विभाग की एक छोटी सी चौकी बनी हुई थी। वैसे वहां कोई रुकता नहीं था। कभी कभी कोई अफसर जंगल में अंदर जाता तो वो सुरक्षा और आराम के लिए उस जगह का इस्तेमाल किया करता था। मैं तो पहली बार वहां गया था। उस दिन पता नहीं मुझे अचानक से क्या हो गया था। शाम होते होते मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ती चली गई। ऊपर से तो ठीक लग रहा था पर अंदर से बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे आराम करने की सख्त जरूरत है। मैं कुछ देर के लिए उसी चौकी पर रुक गया। ऋषि और पवन दोनों आसपास के इलाके में गश्त लगा रहे थे। उन्होंने मुझे घर जाकर आराम करने के लिए कहा, लेकिन मैं उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। मैंने उन्हें कहा कि अगर यहाँ कुछ भी गलत हुआ तो वो मेरी जिम्मेदारी होगी, इसलिए किसी भी हालत में मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। उल्टा उनके बार बार कहने पर मुझे उन पर ही शक होने लगा और इसलिए मैंने वही चौकी पर रुकने का निर्णय लिया। मैंने उन्हें कहा कि मैं यहीं रुकूंगा, पर जब मैंने ये कहा तो पवन आंखें बड़ी बड़ी करके मुझे घूरने लगा। मैंने उसका चेहरा देख उससे पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों देख रहे हो? पवन ने अपनी नजर हटाते हुए कहा, सर कोई भी अफसर यहाँ रात में इस चौकी पर नहीं रुकता है। मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ पर मेरी तबीयत खराब है और मैं नहीं चाहता कि मेरी गैर हाजिरी में यहाँ कोई भी गैर कानूनी काम हो, मैंने आगे आते हुए कहा। सर ये जंगल रात में रुकने के लिए अच्छा नहीं है, खासकर कि यह जगह चाहे तो हम पास के गांव में जाकर रुक सकते हैं। मुझे उन दोनों की बातें सुनकर उन पर शक हो रहा था, लगा कि शायद ये दोनों भी तस्करी में शामिल है। तो आखिरकार मैंने उन्हें आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर मेरे खाने का बंदोबस्त करो और हो सके तो दवाइयों का भी, पर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। मेरा आदेश सुनकर पवन फिर से आगे बढ़ा, साहब आप पहली बार इस चौकी पर आए हो, हम यहाँ पिछले 5 सालों से हैं। इस जंगल को आप नहीं जानते हो, इस जंगल में सच में खतरा है। मैंने पवन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसे तो इंसानों को एक जंगल से खतरा है पर हम वनरक्षक हैं और हमें इसी बात का पगार मिलता है। ऋषि ने मेरी बात को बीच में तोड़ते हुए कहा, सर आप हमारी बात को समझ नहीं रहे, यहाँ आपको किसी जंगली जानवर से खतरा नहीं है बल्कि भूत प्रेत से है। उसकी वो बात सुनकर मैंने गुस्से में उससे कहा, पागलों जैसी बात मत करो, ये सब बनी बनाई बातें होती है। ऋषि ने फिर मुझे समझाने की कोशिश की, बहुत लोगों ने यहाँ एक भूत को देखा है और सिर्फ लोगों ने ही नहीं, हमारे कुछ अफसरों ने भी यहाँ कुछ अजीब सा महसूस किया है। कहते हैं कि यहाँ अंधेरे में एक प्रेतात्मा घूमती रहती है।
और वो लोगों का शिकार करती है। उन दोनों की बातें सुनकर मेरा गुस्सा और भी बढ़ता चला गया। मैंने एक आखिरी बार उन दोनों से पूछा, क्या तुमने देखा उस प्रेतात्मा को? उन दोनों ने हाँ में अपना सर हिलाया। तो फिर ठीक है, तुम दोनों भी मेरे साथ अब यही रुकोगे, जब तक हम उस आत्मा को देख नहीं लेते हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मेरी बात सुनकर वे दोनों भी घबरा गए और उस बात को टालने लगे, घर जाने का बहाना बनाने लगे। तो मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, देखो बात को समझो, ये सब यहाँ के गुंडे बदमाश लोगों की चाल होती है, ये सब अफवाह है। वो लोग यही चाहते हैं कि हम लोग उनके इलाके से दूर रहे। उन लोगों को गलत काम करने के लिए ऐसी बातें बढ़ावा देती है और इसलिए ये लोग आसपास के गांव में लोगों में ऐसी अफवाहें फैलाते हैं। तुम दोनों अगर नहीं रुकना चाहते हो तो न रुको, लेकिन मैंने जो कहा है उतना काम करो। मेरी बात को सुनकर दोनों चुप हो गए और आपस में कुछ फुसफुसाते हुए चौकी से बाहर चले गए। कुछ देर बाद मुझे गाड़ी की आवाज सुनाई दी, मतलब आखिरकार वो दोनों भी वहां से चले गए थे। मैंने चौकी को अंदर से ठीक से देखा, वहां कुछ दारू की बोतलें, कुछ गिलास धूल में पड़े हुए थे, कुछ सामान था लेकिन गैर जरूरी था। चौकी की एक दीवार पर जंगल का नक्शा बना हुआ था। मैंने उस नक्शे के पास जाकर उस चौकी को नक्शे में ढूंढा। उस चौकी के पीछे एक नीली रेखा खींची हुई थी, मतलब चौकी के पीछे से जरूर कोई नदी गुजरती होगी। मैंने चौकी के पीछे की खिड़की खोलकर देखा, पर पीछे का इलाका घने पेड़ों और झाड़ियों से भरा हुआ था। अंधेरा होने में अभी वक्त था तो मैं चौकी के बाहर चला गया। जैसे जैसे शाम ढल रही थी आसपास ठंडी बढ़ने लगी थी। मैं चौकी के पीछे की तरफ चला गया। पीछे का इलाका बहुत ही घना था। वो इलाका जितना घना था उतना ही वहाँ सन्नाटा था। दूर कहीं से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। मैं वहाँ से बहती नदी को देखना चाहता था। मैं उन ऊंचे पेड़ों और झाड़ियों के बीच से आगे चला गया। ये बात सच थी कि मैं पहली बार वहाँ आया था और इसलिए उस जगह के बारे में बिल्कुल भी जानता नहीं था। कुछ 200-250 मीटर आगे जाने के बाद मुझे थोड़ी ढलान दिखाई दी और उसी ढलान से आगे एक नदी बह रही थी। मैं उस ढलान से उतरकर नीचे चला गया। नदी का पानी एकदम शांत था। नदी के पास पेड़ों पर रह रहे पंछियों की चहचहाहट की आवाजें आ रही थी। सारे पंछी वापस अपने घर लौट रहे थे, मतलब अंधेरा होने में अब कुछ ही वक्त बाकी था। तब मुझे याद आया कि मैं तो भूल ही गया था कि अंधेरा होने वाली है। आसपास अंधेरा होने लगा था, इसलिए मैं ज्यादा देर वाहन नहीं रुका और वापस अपनी चौकी पर चला गया। चौकी के अंदर जाते ही मैंने दरवाजा बंद कर लिया और सिर्फ पीछे की खिड़की को खुला छोड़ दिया। अब हल्का हल्का बदन दर्द भी होने लगा था। मैंने वहीं एक कुर्सी को साफ किया और उस कुर्सी को लेकर खिड़की की तरफ पीठ करके बैठ गया। पीछे की ठंडी हवा के झोंके खिड़की से अंदर आ रहे थे। बैठे बैठे मैं अपने हाथों से अपने ही गर्दन और सर को मालिश कर रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे खिड़की के बाहर मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं अपने हलचल रोककर ध्यान से पीछे से आ रही आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा। ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे खड़े होकर कोई जोर जोर से सांस ले रहा हो। इतना ही नहीं, मैं उन सांसों की गर्मी को भी अपनी गर्दन पर महसूस कर पा रहा था। मैंने धीरे से अपनी बंदूक को हाथ में लिया और झट से पीछे मुड़कर देखा और वहां तो कुछ भी नहीं था। मैंने खिड़की से बाहर अंधेरे में देखने की कोशिश की, पर बहुत दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वहां ज्यादा अंधेरा तो नहीं हुआ था, पर सूरज लगभग डूब चुका था। एक तरह का हल्का अंधेरा उस रोशनी में हर तरफ फैल गया था। मैं बाहर से अपनी नजर हटाता कि तभी मैंने दूर पेड़ों के बीच किसी इंसान जैसी आकृति को सरकते हुए देखा। मैंने वहीं पड़ी टॉर्च उठाई और उस धुंधले अंधेरे में दूर देखने की कोशिश की, पर अब वहां सब कुछ नॉर्मल था। फिर भी मैं काफी देर तक उस तरफ देखता रहा कि कहीं कोई हलचल नजर आ जाए। उस हलचल के बाद वहां कुछ भी नहीं हुआ। फिर सोचा कि जंगल है तो ऐसी आहट ऐसी आवाजें आना आम बात है। इतने से मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। इस बात को सोचकर मैं खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ गया। तभी मुझे बाहर से गाड़ी की आवाज सुनाई पड़ी। कुछ एक घंटे बाद पवन और ऋषि वापस आ गए थे। उनके आने तक वहां सब कुछ अंधेरे में डूब चुका था। उन्होंने आते ही मुझे एक कंबल और खाने पीने का सामान दिया। शायद उन्हें कहीं मेरी दवाई नहीं मिली थी। मेरी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं थी, अंदर से मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। तो मैंने उन्हें फिर कहा, रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो,
ऋषि ने अपनी गर्दन में हिलाते हुए जवाब दिया, साहब अभी वक्त है, हमेशा किसी की परीक्षा लेना अच्छा नहीं होता। हम पास के गांव में जाकर रुक सकते हैं और वहां से भी ध्यान रख सकते हैं। मैंने उनकी बात को साफ मना कर दिया और वहीं पर रुकने की अपनी इच्छा जाहिर की। अच्छा ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगा, पर तुम भी आसपास की हरकतों पर नजर रखना, कुछ भी गलत लगे तो सीधा मुझे यहाँ आकर रिपोर्ट करना। मेरी बात सुनकर वो दोनों वहां से चले गए। मैंने दरवाजा बंद कर लिया और वहीं टेबल पर अपना खाना खत्म किया। खाना खत्म कर मैं वहीं पर पड़ी एक वन विभाग के संबंध में किताब को पढ़ने लगा। बाहर की ठंड बढ़ने लगी थी, इसलिए मैंने सारी खिड़कियां भी बंद कर ली। वहां जो बिजली आ रही थी वो पास के गांव से आ रही थी। 8 बजे के करीब बिजली अचानक से चली गई। मैंने अंधेरे में टटोल कर देखा और सोचा, पता नहीं अब ये बिजली वापस आएगी भी या नहीं। वहां रुकने का फैसला तो मैंने ही किया था, पर अब बिजली के चले जाने से मुझे वो अजीब लगने लगा था। मैं रात भर टॉर्च जलाकर नहीं रख सकता था, तो मैं टॉर्च लेकर बाहर चला गया। जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, मुझे बाहर पड़ रही कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ। अजीब सी चुभन थी उस ठंड में। टॉर्च की रोशनी में मैं अपनी जीप के पास चला गया, गाड़ी में रखे लालटेन को लिया और वापस जाने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि मुझे ऐसा लगा मानो पीछे से किसी ने मुझे छुआ हो। मैंने तुरंत पलटकर पीछे देखा, पर अब वहां कोई भी नहीं था। मुझे कुछ दूरी पर कोई हलचल सी महसूस हुई, वो सूखे पत्तों की सरसराहट की आवाज थी। अंधेरे में वहां कुछ चमक रहा था, जैसे कोई दूर खड़े होकर उस घने अंधेरे में मुझे घूर रहा हो। जैसे ही मैं एक कदम आगे बढ़ा, उसी के साथ साथ मुझे पत्तों की आवाज सुनाई दी, जैसे मेरे आगे बढ़ने के साथ ही किसी और ने भी अपना कदम आगे बढ़ाया हो। बंदूक चौकी के अंदर थी और अगर आसपास कोई जंगली जानवर था तो मुझे किसी भी तरह वापस चौकी के अंदर पहुंचना था। मैंने टॉर्च की रोशनी में अपने चारों तरफ नजर घुमा कर देखा और तेजी से चौकी की तरफ चलने लगा। मेरे चलने के साथ साथ ही एक अजीब सी घसीटने की आवाज भी बढ़ने लगी। मैं दौड़कर चौकी के अंदर चला गया और अंदर जाते ही मैंने दरवाजा झट से बंद कर लिया। मैं ये सोच रहा था कि यह आवाज कैसी थी, किसी के सरकने की आवाज या फिर किसी के चलने की आवाज। थोड़ा शांत होने के बाद मैंने अपने आप को फिर से समझाया कि यह जंगल है, यहाँ हर वक्त ऐसी आवाजें आती रहती हैं। पर सच कहूँ तो कभी कभी हम जैसे लोग हिम्मत करके कोई बड़ा हिम्मत वाला फैसला कर तो लेते हैं, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि शायद मैंने यह फैसला न किया होता। उस वक्त मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। उस जंगल का डरावना सन्नाटा और घना अंधेरा मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। मैंने अंदर जाकर लालटेन जलाई और फिर वही एक कोने में पड़ी एक मोटी किताब पढ़ते हुए लेट गया। वो किताब कब मेरे हाथ से फिसल गई और कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद मुझे अपने शरीर पर एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगा। लगा जैसे कोई मेरी छाती पर बैठ मेरी गर्दन को अपने नाखूनों से कुरेद रहा हो। मैं जागने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, पर पता नहीं मैं क्यों उठ नहीं पा रहा था। जैसे मेरा पूरा शरीर अकड़ गया हो, पता नहीं वो बुखार का असर था या कुछ और था। पर किसी तरह मैंने अपनी आंखें खोली। आंख खोलने पर मैंने मेरी आंखों के ठीक सामने दो आंखों को मुझे घूरते हुए देखा। दोनों आंखें चमक रही थी, खुले बाल और होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ वह अपना जबड़ा खोलकर मुझे देख रही थी। उसके चेहरे से बालों से अजीब सा चिपचिपा पानी मेरे चेहरे पर टपक रहा था। उसके घुंघराले बालों से मेरा पूरा चेहरा ढका हुआ था, उस वजह से मैं आसपास का कुछ भी देख नहीं पा रहा था। उसने अपने चेहरे को मेरे चेहरे से दूर करते हुए अपने एक हाथ से मेरे पूरे चेहरे को ढक दिया। उसके शरीर से बहुत ही गंदी और सड़न की बदबू आ रही थी। मैं उसका विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं तो बस जम गया था। और फिर उसने अपना जबड़ा किसी जानवर की तरह खोलते हुए एक भयानक डरावनी चीख के साथ अपने दूसरे हाथ के नाखून मेरे गर्दन में धक्का दिया। मेरे अंदर एक बहुत ही तेज दर्द उठा और उसी के साथ मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे अपनी छाती से हटाकर दूर कर दिया। मैं हड़बड़ा कर जाग गया और अपने आसपास यहां वहां सब तरफ देखने लगा। वो बहुत ही तेज चीखने की आवाज थी, ऐसा जैसे किसी ने मेरे कानों के पास चीखा हो। मेरी धड़कने बहुत तेज हो गई थी, पता नहीं कब से वो सब मेरे साथ हो रहा था।
मैं जोर जोर से हांफ रहा था। मैंने उठकर देखा तो वहां आसपास कोई नहीं था। मैं हैरान था कि इतना सब कुछ मेरे साथ कैसे हो गया। मैंने फिर ठीक से देखा तो मैंने जिस चीज को अपनी छाती से हटाया था वो वही मोटी किताब थी, और अब वो एक कोने में जाकर पड़ी हुई थी। मैं फिर से अपनी आंखों को मसलते हुए यहाँ वहाँ देखने लगा। मुझे नींद में ऐसा लगा जैसे कोई मुझे मारना चाहता हो, पर अब वहाँ अंदर कोई नहीं था, बस एक मेरा भ्रम था। मैंने पास की बोतल उठाकर थोड़ा पानी पी लिया और फिर अपने आप को शांत कर लिया। उसी वक्त मुझे बाहर से किसी की चलने की और कुछ घसीटने की आवाज सुनाई थी। मैं अपनी जगह पर बैठे बैठे गौर से उस आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था। मैं अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया, दरवाजे के पास जाकर दरवाजे को कान लगाया और वहां बाहर सब कुछ शांत था। फिर मैं पीछे की खिड़की के पास चला गया। वो चलने की घसीटने की आवाज पीछे से आ रही थी। मैंने जल्दी से अपने बिस्तर के पास रखी टॉर्च उठाई और फिर से जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। सबसे पहले तो मैंने खिड़की को धीरे से खोला और बारीक छेद से बाहर अंधेरे में झांक कर देखा। बाहर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। अंधेरे के सिवाय वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर सोचकर मैंने लालटेन को बुझा दिया। सोचा कि अगर बाहर कोई इंसान या कोई तस्कर हुआ तो वो अंधेरे में मुझे देख नहीं पाएगा। मैंने खिड़की को पूरा खोल दिया और अपनी सुरक्षा के लिए दीवार से सटकर खड़ा हो गया। अभी भी वो आवाज मुझे आ रही थी। कोई चल रहा था और साथ ही किसी चीज को घसीट रहा था। अब दोनों तरफ घना अंधेरा था। मैं अपने एक हाथ में टॉर्च लेकर और दूसरे हाथ में बंदूक लेकर जाकर खिड़की के सामने खड़ा हो गया। बाहर कोई होता भी तो भी मुझे देख नहीं पाता। मैंने उस आवाज की दिशा में बंदूक को सामने की तरफ तानते हुए टॉर्च को झट से ऑन किया। वहां पास में तो कोई नहीं था, पर खिड़की से काफी दूर कोई चल रहा था। वो कोई लड़की थी शायद, और वो लड़की एक पैर से लंगड़ाते हुए अपने दूसरे पैर को घसीटते हुए चल रही थी। उसके बदन पर पूरे कपड़े नहीं थे, कमर पर बस एक फटा हुआ कपड़े का टुकड़ा लटक रहा था। मैं थोड़ा घबराया जरूर था, पर वो देखकर मैं ये सोचने लगा कि इतनी रात को कोई जवान लड़की ऐसे घने अंधेरे में यहाँ क्या कर रही होगी। क्या वो इस जंगल को जानती है? क्या वो यहीं रहती है या कहीं वो रास्ता भटक गई है? हो सकता है शायद वो यहीं की कोई आदिवासी लड़की हो। जंगल एक ऐसी जगह होती है जहां आप कितनी भी हिम्मत करो, कितना भी हौसला रखो, लेकिन डर लगता जरूर है। मैंने टॉर्च की रोशनी में खिड़की से बाहर आसपास नजर घुमाकर देखा। पेड़ों के ऊपर झाड़ियों के बीच हर तरफ देखकर मैंने तसल्ली कर ली। वहाँ कोई इंसान कोई जानवर नहीं था। वो लड़की अकेली ही नदी की तरफ बढ़े जा रही थी। टॉर्च की रोशनी उस तक पहुँच रही थी, पर फिर भी उसने एक बार भी मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखा। मैं ये सोच रहा था कि आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। मैं पुतला बनकर वहीं पर खड़ा होकर यह सोचने लगा कि मैं आगे क्या करूं, बाहर जाऊं या नहीं। वो लड़की यहां तक कैसे आई होगी? ऊपर से वो अपाहिज है, किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला कर दिया तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। जरूर उसके साथ कोई हादसा हुआ होगा और शायद वो किसी सदमे में होगी और वो नदी की तरफ जा रही है। ऐसे कई सवाल उस वक्त मेरे मन में उठ रहे थे। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपनी टॉर्च और बंदूक लेकर सीधे चौकी के बाहर चला गया। मैंने अपने ऊपर कंबल ओढ़ रखा था ताकि मैं कंबल में अपनी बंदूक को छुपा सकूं। रोशनी में उस घने अंधेरे के बीच चौकी के पीछे चला गया। मेरे वहां जाने तक वो लड़की काफी दूर निकल गई थी, इसलिए मैं उस दिशा में थोड़ा तेज चलने लगा। उस माहौल में मैंने उसे आवाज देना ठीक नहीं समझा, क्योंकि जंगली इलाके में जानवर हमेशा ताक में रहते हैं। चलते चलते मैं ढलान के करीब पहुंच गया, लेकिन उस ढलान से उतरकर वो कहां चली गई थी मुझे पता नहीं था। मैं ढलान से उतरकर नदी के पास पहुंच गया। नदी के आसपास भी कोई नहीं था, वो लड़की भी नहीं। मेरे आने से पहले वो कहां गायब हो गई पता ही नहीं चला। लग रहा था मानो वहां का अंधेरा उसे निगल गया हो। मैंने जितना हो सकता था उतनी जगह पर उसे छान मारा और उसका कहीं कोई पता नहीं चला। उस लड़की को ढूंढते ढूंढते मेरा एक पैर कीचड़ में धंस गया। मैंने देखा कि उस कीचड़ में चलने के और घसीटने के पैरों के निशान थे। मैं समझ गया कि लड़की यहीं कहीं है। उसी वक्त मुझे नदी के पानी में बुलबुलों की आवाज सुनाई पड़ी। पानी के ऊपर लगातार बुलबुले बन रहे थे। सोचा कहीं ये लड़की पानी में तो नहीं गई।
मैं दौड़कर नदी के पानी के पास चला गया। टॉर्च की रोशनी में पानी के अंदर झांक कर देखने लगा। वो पानी बहुत शांत था, कहीं कोई हलचल नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। पानी के अंदर सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। मैं गौर से पानी के अंदर देख रहा था, तभी कोई चीज पानी के अंदर से चमकने लगी, दो बिंदु जैसे। मैंने उन बिंदुओं को और ज्यादा ध्यान से देखने की कोशिश की, वो शायद किसी की चमकती आंखें थी। मैं एकदम शांत था, बिना अपनी पलकें झपकाए मैं उन आंखों को देखने लगा। मेरा शरीर तब एकदम ठंडा पड़ चुका था, वो आंखें मुझे पानी के अंदर बुला रही थी। पता नहीं मैं कितनी देर से वहां पर बैठा था। मैंने देखा कि धीरे धीरे पानी के अंदर से दो हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मेरी धड़कन काफी तेज चल रही थी, शायद किसी अनजान डर से मैं अंदर से डरा हुआ था। तब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं कोई शिकार हूँ जो किसी शिकारी के जाल में फंसता जा रहा है। वो हाथ पानी से निकलकर बाहर आ गए और धीरे से मेरी गर्दन को पकड़ते हुए पीछे की तरफ चले गए। उसके दोनों हाथ मेरी गर्दन को कसकर पकड़े हुए थे। उन हाथों के गीले चिपचिपे स्पर्श से मेरा पूरा बदन सिहर उठा। एक अनजान डर की लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मैं कुछ समझ पाता तभी पानी के अंदर एक अनजान चेहरा बिल्कुल मेरे चेहरे के सामने उभरने लगा। बहुत ही अजीब और सफेद चेहरा, ऊपर आते आते उसका मुंह खुलता जा रहा था। उसके सारे दांत नुकीले थे, आंखें चमक रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर अपना जबड़ा खोल रहा हो। इतना बड़ा कि उसके अंदर मेरा पूरा शरीर समा जाए, मुझे अपने शरीर पर जरा भी काबू नहीं था। मेरा शरीर किसी मशीन की तरह थरथराने लगा। सब कुछ देखते हुए भी मुझ में अपने आप को छुड़ाने की ताकत नहीं थी। उसी पल उन दोनों हाथों के नाखून पीछे से मेरी गर्दन में घुस गए। एक तेज दर्द की लहर गर्दन से उभरकर दिमाग तक चली गई। उस डर से मुझे जोर का झटका सा लगा। उसी के साथ मेरी शर्ट में अटकी हुई गले की एक माला छूटकर उस लड़की के आंखों के सामने लटकने लगी। माला को देख उस लड़की ने झटके से मुझे दूर कर दिया। वो एक रुद्राक्ष की माला थी। उस झटके से मैं पीछे कीचड़ में जा गिरा। वो लड़की किसी मगर के जैसे पानी की सतह पर आ गई और मुझे देख पास आने लगी, जैसे वो मुझ पर हमला करना चाहती हो। इस पूरे मामले में मेरी बंदूक कहाँ गई थी मुझे पता नहीं चला। टॉर्च जल रही थी इसलिए मैं उसे देख पा रहा था। मैंने लड़खड़ाते हुए टॉर्च को उठाया और उसकी रोशनी को उस लड़की के चेहरे पर मारा। दिखने में सुंदर लड़की थी पर उसके बदन पर कपड़े नहीं थे। उसका मुंह किसी खूनखार जानवर जैसे खुला था, आंखें अंधेरे में चमक रही थी, बड़े बड़े नुकीले मुड़े हुए नाखून थे। वह भयानक रूप देखकर मैं वहां से पीछे हटने लगा। बदन चिपचिपा था और शरीर पर हर जगह पर छिलने के और कटने के निशान थे। लंगड़ाते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं उसकी चाल को देखकर समझ गया कि यह वही लड़की है जिसे मैंने खिड़की से बाहर देखा था। मैं बाहर से दौड़ता हुआ चौकी की तरफ भागा। चौकी के अंदर जाते ही मैंने दरवाजा लगा लिया, सारी खिड़कियां बंद कर ली और डर के मारे मैं वही एक कोने में बैठ गया। तब मैं ये सोच रहा था कि जिसे मैंने देखा था वह क्या था, कौन थी वो लड़की, कोई लड़की थी या कुछ और था, मुझे वो क्यों मारना चाहती थी। मैं वहां पर बैठे बैठे डर और ठंड से कांप रहा था। काफी देर बाद मुझे गाड़ी की आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजे की दरार से बाहर झांक कर देखा, देखा तो पवन और ऋषि जीप लेकर वहां आ गए थे। मैंने उसी हालत में दरवाजा खोला, मेरी हालत देख दोनों डर गए। मेरी गर्दन से खून बह रहा था, आंखें लाल लाल थी, शरीर थर थर कांप रहा था और मुझे बहुत तेज बुखार था। उसने मेरे हाथ को पकड़कर मुझे उठाते हुए कहा, सर आपको तो बहुत तेज बुखार है। और मेरे गले से खून बहता देखकर पवन भी तेजी से आगे बढ़ा और दूसरी तरफ से मुझे संभालने लगा। मेरी हालत को देख मुझे कोसने लगा। मैंने कहा था ना सर आपसे कि यहां मत रुकना, पर आप कहां मानते हो। अच्छा हुआ कि बड़े साहब ने हमें आपको वापस लाने को कहा, इसलिए हम दोनों वापस आ गए, वरना जाने यहां कैसे क्या हो जाता। मैं उन दोनों से कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। मैंने बस उन्हें जल्दी से अस्पताल जाने का इशारा किया। उस वक्त और उसके कुछ दिनों बाद भी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कि मेरे साथ वहां क्या हुआ था। मैंने अस्पताल में बस इतना कहा कि किसी जंगली जानवर ने खिड़की से मेरे पर हमला कर दिया था और यह उसी के नाखून के निशान है। अस्पताल से ठीक होने के बाद मैं फिर से उस जगह पर छानबीन करने चला गया। आसपास के रहने वाले गांव वालों से, लोगों से उस जगह के बारे में पूछताछ की।
तब मुझे पता चला कि कुछ साल पहले उस जगह पर कुछ दरिंदों ने मिलकर एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया था। एक सुंदर लड़की को अपनी वासना का शिकार बनाया था। अपनी वासना को पूरा करने के बाद उन लोगों ने उस लड़की को जख्मी हालत में उस नदी में फेंक दिया था और उन्हीं लोगों ने गांव में ये फैला दिया कि वो लड़की किसी के साथ भाग गई है। कुछ दिनों बाद लोगों को भी यही लगा कि वो सच में कहीं भाग गई है, पर आसपास के गांव के लोगों ने कुछ दिनों बाद उसे नदी के पास घूमते हुए देखा। जब उसे देखने नदी के पास गए तो उन्हें वहां नदी के पानी में उस लड़की की लाश मिली और तब जाकर उस लड़की के साथ हुए हादसे के बारे में लोगों को पता चला। कुछ ये भी कि जिसे उन्होंने देखा था वह उस लड़की की आत्मा थी, क्योंकि लाश मिलने के बाद पोस्टमार्टम से ये पता लगा था कि उस लड़की की मौत हुए 10 दिन गुजर गए थे और तब से अब तक गांव के कई लोगों ने उसे नदी के आसपास घूमते हुए देखा था। दोस्तों, जरूरी नहीं कि जिस बात पर तुम यकीन नहीं करते वो सारी बातें झूठ हो, कभी कभी दूसरों की बातों पर भी यकीन कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी?